वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुचिश्मिता और आप दिख रहे हैं हनी ब्लॉसम। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें व्हाइल मैनिफेस्टिंग समथिंग या फिर नॉर्मली भी अगर हम कुछ इंटेंशनली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, स्टिल हमें क्यों ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना चाहिए। बट इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आप मेरे चैनल विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिए। उससे आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बाकी अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन चाहिए, अगर आप चाहती हो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ आपके मैनिफेस्टेशन से, या फिर आप जहाँ कहीं भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो उससे, तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे डीएम करें। वहां पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। आपको हर सेशन में अपने लिए कस्टमाइज्ड अफर्मेशन मिलेगा, जिसका मैजिकल रिजल्ट मैंने अपने सारे स्टोरीज पे डाले हैं। और अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो आप अपने मेरे हाईलाइट्स पे जाइए, वहां पे फीडबैक करके एक हाईलाइट है, उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा बिफोर यू इन्वेस्ट, ठीक है। क्योंकि आपका पूरा हक है कि आप उस चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। ओके, तो आज शुरू करते हैं हमारे जो टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक था कि हम क्यों ग्रैटिट्यूड मेंटेन करें। देखिए, अगर आप कुछ इंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो फिर अगर इंटेंशनली मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो कुछ भी, ऐसा भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो इंटेंशनली अवेयर होके, अदरवाइज हम तो मैनिफेस्ट 24/7 करते हैं। इंसान मैनिफेस्ट करना तभी बंद करेगा जो वो दिन उसका आखिरी होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप बचपन से करते आए हो। आपका थॉट, आपका अजम्पशन रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, ये सच्चाई है, यूनिवर्सल लॉ है। तो अभी हम ग्रैटिट्यूड क्यों मेंटेन करें, क्या मतलब, क्या क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। देखिए, अगर आप यूनिवर्स पे मानते हो, थोड़े से स्पिरिचुअल हो, तो फिर अच्छी बात है, तो आप अपने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। बट अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल नहीं हो, तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी अपना बिलीव चेंज करने के लिए, क्योंकि वो आपका मर्जी है। जब आपको ऐसी अवेकनिंग आई है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए, तभी एक इंसान होता है। ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस बहुत टेम्प्ररी और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। तो ग्रैटिट्यूड मेंटेन करने से क्या होता है कि, जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला है कि आपका बिलीफ जहाँ पे होता है, आपका फोकस जहाँ पे होता है, वो चीज़ एक्सपैंड होता है, वो चीज़ ग्रो होता है लाइफ में। जैसे कि अगर आपका फोकस नेगेटिव चीज़ पे है, ठीक है, तो वही ग्रो होगा, वही एक्सपैंड होगा लाइफ में। और वाइस वर्सा, जैसे कि अगर आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ पे है, तो वो ग्रोथ होगा, ठीक है। तो जब हम हमारे डेली लाइफ में थोड़ा सा पल लेके किसी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हम ग्रेटफुल फील कर रहे हो, आज के दिन के लिए मैं किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, आज का दिन मेरा कैसा गया, और ऐसे कौन सी चीज़ें हुई जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, उन चीज़ों को अगर मैं नोट डाउन करती हूँ जब मैं रात में सोने जाऊँगी, और जब मैं उसको लिख के सोती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर दिस दैट, जो भी हुआ मेरे साथ, डियर यूनिवर्स थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, जिसके लिए मैं ग्रेटफुल फील करती हूँ, उसका क्या होता है कि मैं, मेरा दिन भले ही कैसी भी हो, मैं फोकस कर रही हूँ पॉजिटिव साइड पे, तो मेरा पॉजिटिव साइड एक्सपैंड होगा, राइट। और जैसे ही, ये ग्रैटिट्यूड का एक मैजिक है, जैसे ही आप इसको फॉलो करोगे, तीसरे चौथे दिन में ही आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल फील करोगे। और हर दिन यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें देंगे जो आपको स्पेशल फील कराएगा, लव्ड फील कराएगा, एंड यू विल फील कि वाह, क्या मैजिक हो रहा है। मतलब हर दिन आई एम रिसीविंग समथिंग जो कि बहुत मैजिकल है, जो कि बहुत अमेजिंग है। मतलब हर दिन आपको कुछ मिलेगा जिसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे। अगर आप यूनिवर्स पे नहीं मानते, तो सबकॉन्शियस माइंड पे ही मानते हो, स्टिल इट विल वर्क, स्टिल आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। तो सिंपली आपके लाइफ में आज एक पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ, इन उस तीन अच्छे चीज़ों को, मतलब पॉजिटिव चीज़ों को आप लिख दीजिए। वो छोटे से छोटी चीज़ भी हो सकती है, कुछ अच्छा फूड आपने खाया, कुछ लोगों से आपने बात किया जिसके बाद आपको बहुत अच्छा लगा, कुछ अच्छा शो देख लिया आपने, या फिर कुछ और, ठीक है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फील करवाया, उन तीन चीज़ों के लिए लिख सकते हैं। मैं सिर्फ तीन चीज़ रिकमेंड कर रही हूँ अगर आप बिगिनर हो, या तो फिर अगर आप बहुत लिखना पसंद करते हो, तो फिर आप ज़्यादा चीज़ों के लिए भी लिख सकते हो, जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो। यहाँ पे अफर्मेशन नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि आज पूरे दिन में आप किस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक क्या था। वीडियो आज
का बहुत शॉर्ट है, क्योंकि मुझे बस पॉइंट पे ही बात करना था कि एग्जैक्टली हमें ग्रैटिट्यूड क्यों फॉलो करना चाहिए. और अगर आप ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हो, हर रोज़ रात में सोने से पहले मैं करती हूँ, आप चाहो तो कभी भी कर सकते हो, बट रात में जब मैं सोने जाती हूँ, मैं अपने पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज़ हुई है उसको नोट डाउन करके सोती हूँ. जिससे क्या होता है ना, मैं 3D से ना ज़्यादा मैं थ्रेटन फील नहीं करती. जैसे कि मैं भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में बहुत सारे डिज़ायर्स, राइट, तो मुझे भी 3D को फेस करना पड़ता है. जब मैं ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है कि देखो यार, इतना अच्छा तो हो रहा है तो मैं बुरी चीज़ पे क्यों फोकस करूँ, वो तो कभी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैं अफर्म कर रही हूँ उसके लिए, वो तो किसी भी मोमेंट चेंज हो सकती है, तो मैं बुरी चीज़ पे क्यों फोकस करूँ. ये चीज़ आपको मोटिवेट रखती है, ठीक है. और ऐसा ऑब्वियसली मेरी मम्मी भी बोलती है और सभी बोलते हैं कि आपका दिल अगर साफ़ हो, ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट करो, अगर आप हमेशा हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करो, तो डेफिनेटली आपको मतलब आपकी दुआ जल्दी सुनी जाती है, ऐसा बिलीव है, ठीक है. ऐसा नहीं है अगर आप ग्रैटिट्यूड फॉलो नहीं करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली होगा. बट अगर आप करते हो ना, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है. हर दिन आपका माइंड बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, हर दिन आप पॉजिटिव रहोगे, आपको 3D को फेस करना आ जाएगा, हर दिन आपका ध्यान पॉजिटिव नोट पे होगा लाइफ का, ठीक है. तो इसे ज़रूर फॉलो करें. अगर आप पहले से फॉलो करते हो मुझे डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन पे. और मैं मिलती हूँ आपको अगले एक वीडियो के साथ. तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए. टेक केयर, सी यू.